ओके, बॉलीवुड के आपको क्या लगते हैं एक्शन किंग कौन है? अक्षय, सलमान खान है, ऋतिक रोशन है और टाइगर श्रॉफ है, तो चारों में से आपको कौन लगता है? मुझे टाइगर श्रॉफ। सलमान खान एंड ऋतिक रोशन। सलमान खान। मेरे लिए ऋतिक रोशन ही है। अक्षय कुमार। टाइगर श्रॉफ। आई फील टाइगर श्रॉफ। मेरे लिए ऋतिक रोशन ही है क्योंकि उसका डांस और उसकी जो लाइक स्टंट्स है वो सब ऑसम है यार, नहीं एक नंबर है। सो उसका वॉर पिक्चर अभी जो हिट हुआ था और सुपर 30, उसमें जो एक्टिंग किया था उसने, जो बॉडी मेंटेन किया उसने, लाइक सुपर 30 में वो ज़्यादा फैट था, फिर उसने बाद में जो एक्सरसाइज वर्कआउट वो सब किया है वॉर पिक्चर के लिए, तो बहुत इंस्पिरेशन है उससे। अगर बात की जाए उनकी मूवी, जिससे कि आपने बोला कि वॉर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, इसके अलावा सबसे बेस्ट आपको एक्शन फिल्म उनकी कौन सी लगी? एक्टिंग में तो मीन्स एक्शन में तो फिलहाल अभी मैं वॉर ही देखा उनका, बाकी ऐसा कुछ देखा नहीं है। सो वॉर मूवी मेरे को अच्छा लगा, उसके डांस की वजह से वो फेमस है एक्चुअली ऋतिक रोशन। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको उनका, डांस या एक्शन? डांस और एक्शन भी, पर डांस ज़्यादा। तो आने वाली मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड? उनको क्रिश 4 आने की बात चल रही है, तो उसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड? वैसे तो बहुत एक्साइटेड है, पर देखते हैं अभी कभी आ रहे क्रिश 4, पहला शो ही जाऊँगा। फर्स्ट शो। ओके, उनके आने वाली मूवी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए जाते जाते। लाइक वो भी हिट ही जाएगा मूवी, नो डाउट। उसमें ऋतिक है तो डांस तो वैसा हिट ही जाएगा, तो उसमें कुछ बोलने की गरज नहीं है। थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ क्यों? क्योंकि उनकी मैंने बागी 2 मूवी देखी, उसमें उन्होंने बहुत एक्शन किए, इसलिए। तो उनका एक्शन कितना पसंद है, मतलब क्या बताना चाहोगे? उनका एक्शन बहुत पसंद है, ऊपर से वो स्टंट करते वो और एकदम सेफ्टी के साथ, तो और अच्छा लगता है। अगर बात की जाए उनकी मूवी आने वाली है बागी 3, उसके लिए कितने ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं? उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बागी 3 रिलीज होने वाली कर गई। आने वाली मूवी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? एक जाते जाते बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए बागी 3 के लिए। टाइगर सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपके बागी 3 के लिए मेरी शुभकामनाएं बहुत। थैंक यू। टाइगर श्रॉफ। आपको? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्यों? उनका खिलाड़ी मूवी अच्छा है, तो बहुत अच्छा एक्शन भी करते हैं एंड सब कुछ अच्छा है, उनका पर्सनालिटी भी अच्छा है। एक्शन कितना पसंद है आपको उनका? बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे एक्टर है, तो हाँ बहुत अच्छा लगता है। आप क्या बोलोगे टाइगर श्रॉफ के बारे? टाइगर श्रॉफ हॉट है, उसका बॉडी बहुत पसंद है और उसके एक्शन भी अच्छे हैं, लाइक उसका लव स्टोरी भी बहुत पसंद है मेरे को, तो उसकी मूवी बहुत अच्छी लगती है। ओके, सबसे अच्छा मूवी उनका कौन सा लगा था? हाँ, सबसे अच्छा बागी। बागी। बागी क्यों? क्योंकि उसमें बहुत अच्छा उसने रोल किया है और मुझे बहुत पसंद आया उसका वो मूवी, उसका एक्शन मुझे बहुत पसंद है। आपको जैसा कि आपने बोला खिलाड़ी पसंद है, खिलाड़ी क्यों पसंद था? मतलब अभी आप देखो पूरे सीरीज़ में बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज़ निकले हैं, सो उनका एक्शन अच्छा है बाकी सब हीरो से, एंड उनका एज देख के, उनका फिटनेस, उनका रूटीन भी अच्छा है, मतलब सुबह को उठते इतना मोटिवेट करते हैं, सो हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन होता है उनका मूवीज़ देख के, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। Okay. उनकी आने वाली मूवी के लिए क्या बोलना चाहोगे? सूर्यवंशी है, वो भी एक्शन वाला है, वो आ रही है, तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इसके लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अच्छा है होगा क्योंकि वो है उनमें, तो अच्छा ही होगा। अजय देवगन। हाँ, तो ऑब्वियसली अभी सब अच्छे एक्टर्स साथ में है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होना है। अच्छा ही है। आप क्या बोलोगे? टाइगर श्रॉफ की आने वाली मूवी है बागी 3, जिसका ट्रेलर भी आ गया है, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जाके पहले देखूंगी कि बागी मूवी। बस जाते जाते एक बेस्ट ऑफ लक बोल दो टाइगर श्रॉफ। बेस्ट ऑफ लक टाइगर श्रॉफ, एंड आई लव यू। बेस्ट ऑफ लक अक्षय कुमार, आई लव यू। थैंक यू सो मच। आई फील टाइगर श्रॉफ। आपको? मुझे, आई एम बायस अबाउट सलमान खान एंड ऋतिक रोशन। सलमान खान का जो सीक्वल रहा है दबंग का, और अभी रेस 3 भी है, तो ही इज़ बीन एक्शन किंग, बट ऋतिक रोशन ऑल्सो फॉर मी बिकॉज वो एक अच्छा रोल निभाते हैं हमेशा, और अक्षय कुमार भी। सब आपको टाइगर श्रॉफ क्यों लगते हैं? आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड कम्पेटिटिव कम्पेयर टू ऋतिक रोशन, एंड सलमान का मुझे नहीं अच्छा लगता। उनकी मूवी आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी अभी तक जितने भी आए एक्शन में? आई गेस वॉर। वॉर क्यों? ही इज बीइंग गुड। कैसा लगा था एक्शन उनका? अच्छा था। आप क्या बोलना चाहोगे सलमान खान की आपको सबसे बेस्ट एक्शन मूवी कौन सी लगी थी? मुझे तो दबंग और ये भी है।
दबंग और किक में बहुत अच्छा था उनका एक्टिंग भी और जो स्क्रिप्ट था उनका वो सूट किया था उनके पर्सनालिटी को. और रितिका तो वॉर मतलब वन ऑफ द बेस्ट. और ये भी बैंग बैंग भी बहुत अच्छा था उनका. तो एक्शन की बात की जा रही है तो सलमान, हाँ रितिक का बोला अच्छा वो गाना है बैंग बैंग. सलमान खान की राधे आने वाली एक्शन मूवी, उसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जैसे दबंग सीक्वल गया वैसे ये भी जाए. आई होप सो. सुपर डुपर हिट होगी मूवी ऑफकोर्स. सब सल्लू भाई फैंस सब लोग ऑब्वियसली हिट करेंगे. टाइगर श्रॉफ की मूवी आने वाली है बागी 3 एक्शन मूवी वो भी है. इसके लिए आप क्या बोलना चाहते? लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड द ट्रेलर इज वेरी एक्साइटिंग. ट्रेलर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. That's like an action movie I'm expecting from Bollywood. जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे या बेस्ट ऑफ लक कर दो? ऑल द बेस्ट फॉर बागी 3. ऑल द बेस्ट फॉर राधे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं ऋतिक रोशन का ही बोला लेकिन ऋतिक रोशन अच्छा लगता है. ऋतिक रोशन क्यों? वो डांस अच्छा करते हैं और मतलब कितना पसंद है उनका? एक्शन मतलब ये लोग ज़्यादा करते हैं. सलमान खान अक्षय कुमार मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा दिखाते हैं. ऋतिक रोशन थोड़ा वो मतलब सेंसिबल दिख करते हैं. और तो उनकी अभी तक जितनी भी मूवी आई है सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा था एक्शन मूवी? एक्शन मूवी में कैसे ऋतिक रोशन का? हाँ. ऋतिक रोशन की मूवी जितनी भी आई है उनमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा था एक्शन वाला? क्रिश. हाँ मैं अभी थोड़ा कम किया बॉलीवुड मूवी देखने, अभी उतना देखता नहीं हूँ. बट अभी ज़्यादा का बॉलीवुड देख मतलब देखा हूँ. वो ऋतिक रोशन अच्छा लगता है मेरे को. अगर इफ़ आई हैव टू कंपेयर बिटवीन दीज फोर दैट इज सलमान खान अक्षय कुमार एंड अनदर वन कौन था वो टाइगर श्रॉफ. हाँ तो अगर मैं इन चारों को कंपेयर करूँ तो इसमें से मैं ऋतिक रोशन को चूज़ करूँगा. अभी उनकी ऐसा बात चल रहा है कि क्रिश 4 भी आने वाली है तो उसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड? अभी देखते उतना ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हूँ. जैसे कि मैंने कहा उतना मैं बॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखता हूँ, कम ही देखता हूँ. तो अभी मैं देखूँगा कैसा रहेगा. आई होप इट विल बी गुड. थैंक यू सो मच. सलमान खान. सलमान खान क्यों? भाईजान है वो बॉलीवुड के. आप देखो दबंग, दबंग 1, 2, 3 ऑल आर एक्शन मूवीज़. इसलिए एक्शन किंग तो एक ही अपने बॉलीवुड का, अपना भाई जान. कितना पसंद है उनका एक्शन? 100% या ओके. अगर बात की जाए शुरू से लेके अभी तक कौन सी मूवी एक्शन में कौन सी मूवी सबसे बेस्ट लगी है आपको उनकी? और सॉरी वांटेड आई थी, कीक आई थी, बाकी सब पहले वाली मूवी टाइगर टाइगर क्यों पसंद? अच्छी मूवी है, एक्शन भी अच्छा है, स्टोरी भी भरपूर है, इसलिए मज़ा आया था. और अपकमिंग मूवी की बात की जाए तो राधे आने वाली है, उसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली मैं सुना हूँ कि वो तेरे नाम का पार्ट 2 है, डेट्स वाई. एक्शन कितना हो सकता है आपको क्या लगता है? एक्शन तो उसमें भरमार होगा, एकदम फुल फुल मसाला होगा वो. कितना मतलब क्या बोलोगे, क्या एक्सपेक्टेशन है सलमान खान से या राधे मूवी से? राधे इस बार कम से कम 500 crore का बिजनेस करनी चाहिए इतने बॉक्स ऑफिस पे. हाँ जी हाँ जी, पूरा धमाल मचाएगी. जाते जाते क्या बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहोगे या फिर क्या मैसेज देना चाहोगे? या सलमान भाई को ऑल द बेस्ट फॉर हिज मूवी राधे. ऐसा करे कि बॉलीवुड में धमाल मचाए, 500 crore कमाए. थैंक यू सो मच.